करेंट इनटू लोड। तो आप आपके पास ऑलरेडी ILRMS निकल चुका है, इसको लोड से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15.33 वोल्ट 15.33 इनटू 1K। तो आ गया 15.33 वोल्ट। दूसरा एक और RMS ऐसे ही निकलेगा, VLRMS आइडियल, आइडियल केस का आइडियल केस का Vm/2। हाँ वैसे भी निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो। 16.25 आएगा, 16.25 वोल्ट है। हाँ 16.25 वोल्ट। हेलो गुड मॉर्निंग। यस आइडियल केस में सर आईडीसी सर मिली एम्प में है ना सर। हाँ ये शायद मिली एम्प में 9.76 मिली एम्प में है। हाँ तो ये 10^-6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। तो 3 यहाँ पे है। हाँ वो माइक्रो एम्प हो जाएगा फिर सर। मिली वॉट में आएगा, मिली वॉट होगा फिर पावर, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मिली वॉट, इतना मिली वॉट हो गया। ओके सर। ओके तो आउटपुट डीसी पावर आइडियल केस, आइडियल केस में कितना था वो तो जो एक्सप्रेशन आया है वो आइडियल केस में ही आया है, Vm²/π²RL। ये एक्सप्रेशन मैंने लास्ट में लिखा था है ना। तो इसमें हो जाएगा 32.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 किलो जितनी भी आ रही हो। आप थोड़ी ज्यादा आना चाहिए इस प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल की जितनी भी कितना आ रहा है। जिसका भी आ जाता है जल्दी आंसर बताइए। सर नियरली आ रहा 0.1056। ओके 107 मिलीवॉट। यस कितना आ तेरे पास आंसर है। यस सर। हां सर यही आ रहा है एप्रोक्सीमेटली 7.10 आ रहा। और यहाँ पर आपको मिल रहा है आइडियल केस में आउटपुट पावर, डीसी आउटपुट पावर 107 मिलीवॉट। ओके अब हम चलते हैं और, तो और क्या निकालना है। एसी, एसी आउटपुट पावर, एसी आउटपुट पावर। ओके सो एसी आउटपुट पावर कैलकुलेट कैसे होगा, उसके लिए आप निकालते हो कि पी एल एसी, एसी जिसको बोल रहा हूँ मैं वो होती है IRMS का होल स्क्वायर इंटू RL। तो IRMS कितना आ गया था 15.6, IRMS 15.33 है, 15.33 10^-3 होल स्क्वायर इंटू 1K। आंसर बताइए। करंट लूंगा आइडियल केस 0.235। हाँ सर 0.235 टू थ्री फाइव
मिलीवॉट में ले रहा हूं ना, मिलीवॉट में तो 235 हो जाएगा। ओके सर 235 और कुछ पॉइंट 0089.0089 008 ओके। मतलब किसी का थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो भी चलता है, बट अप्रोक्सीमेटली इतना आना चाहिए 235। ओके सो और आइडियल केस में हो जाएगा वीएम स्क्वायर अपॉन 4 आरएल ना आया था, इतना इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, क्योंकि जो इक्वेशन फाइनली डिराइव किए गए हैं वो आइडियल केस के लिए वर्क करते हैं। आरएल का वैल्यू 10^3 है 1 किलो में। आउटपुट पावर और प्रैक्टिकली आपको 235 आउटपुट पावर पास हो रहा है। नेक्स्ट हो रहा है आपको निकालना है, नेक्स्ट 9 नंबर में आप क्या निकालेंगे हम लोग, डीसी इनपुट पावर कैसे निकलेगी, डीसी इनपुट पावर इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर। और यहाँ पे निकाल सकते हैं हम कैसे, पी एन डीसी इक्वल टू, वहां पे आप देखो मैंने इक्वेशन निकाला है, आईडीसी स्क्वायर इनटू आरएस प्लस आरएफ प्लस आरएल, इस तरीके से निकलेगा इनपुट पावर। मतलब टोटल सर्किट में तो पावर कितना रिक्वायरमेंट है वही इनपुट पावर होता है। तो आईडीसी अपना है 9.76 मिली एम्पियर, आरएस का वैल्यू आपको पता है 10 ओम है, आरएफ का वैल्यू आपको पता है 50 ओम है, आरएल का वैल्यू आपको पता है 1 किलो ओम है। कुल मिला के ये हो जा रहा है कितना हुआ, 0.10097 मिलीवाट, इतना इनपुट डीसी पावर 100.97 मिलीवाट। हाँ यही लिखा है 100.97 मिलीवॉट पावर हमारा डीसी इनपुट पावर है। और अभी हमें निकालना है एसी इनपुट पावर, तो 10th नंबर प्रॉपर्टी में आइडियल नहीं निकालेंगे सर, आइडियल केस आइडियल का नहीं निकालेंगे, आइडियल का निकाल लीजिए, आइडियल का। ओके सर आइडियल केस, आइडियल केस में कितना आएगा, VM square divided by pi square RL, ये आएगा VM square upon pi square RL। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 107 मिलीवोल्ट आएगा, 107 मिलीवोल्ट। ओके 107 मिलीवॉट आ गया। तो फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 10th नंबर प्रॉपर्टी एसी इनपुट पावर, ठीक है। तो एसी इनपुट पावर इक्वल टू हो जाएगा कितना, पी इन एसी इक्वल टू आईआरएमएस होल स्क्वायर इंटू आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल। आई आर एम एस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर एम एस लोड करेंट है, प्रैक्टिकल की बात हो रही है अभी, 15.33 मिली एम्पियर होल स्क्वायर इंटू
टायर लोड नहीं, ये है आरएस सेकेंडरी बाइंडिंग रेजिस्टेंस 10 ओम 50 ओम और 1 किलो ओम. ओके सो इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 249.10 मिली 249.10 मिली वॉट. हाँ 109 यस सर. ठीक है चलेगा उतना. ओके अब हम चलते हैं आइडियल आइडियल केस. आइडियल केस में पी इन एसी आइडियल केस में कितना होता है इसका इक्वेशन आई एम स्क्वायर आर एल अपॉन 4. हाँ वैसे कर लो उसको. फोर फोर अब आया 11th नंबर पे है इफिशियंसी रेक्टिफायर इफिशियंसी. ये क्या होता है सर इसको डिवाइड किया एफिशिएंसी आउटपुट हम सेम आ रहा है सर डीसी अपॉन इनपुट एसी आउटपुट डीसी अपॉन इनपुट एसी पावर आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर यस सर. आइडियल वन प्रैक्टिकल केस केस पहले लेते हैं तो आउटपुट डीसी प्रैक्टिकली कितनी था डीसी के केस में हमने निकाला है आउटपुट डीसी पावर 92.95.25 मिलीवोल्ट. यस यहाँ पे आया था ना ये वाला डीसी आउटपुट पावर 95.25 मिलीवोल्ट. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 95.25 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय और एसी इनपुट पावर. ठीक है एसी इनपुट पावर तो यहीं पे लिखा हुआ है 249.10 मिलीवॉट. यही सही है. कितनी परसेंट है 0.38 सर 38.23 0.38 आया और परसेंटेज में देखें ये 38% आइडियल केस में. आइडियल केस तो उस केस में ईटा 2.5 आ रहा है. हाँ आइडियल केस में 40.5 आ रहा है सर परसेंटेज सर उसमें तो 0.4 आता तो 40% में आएगा 107 मिलीवॉट डिवाइडेड बाय 260 ये तुम्हारा 260 है एक्चुअली 260 मिलीवॉट. ये वाला जो आंसर बताया था ना 264 आना चाहिए. यस सर 41% आ रहा है 41% आएगी 41.1% आइडियल केस में. ठीक है तो प्रैक्टिकली इफिशियंसी उससे भी कम होती है.
जितनी आइडियली एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट किए थे वहाँ पे प्रॉपर्टी में, उससे भी कम एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिपल फैक्टर। बराबर सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं। रिपल फैक्टर इक्वल टू होता है रूट ओवर में वी आर एम एस अपॉन वी डी सी होल स्क्वायर माइनस वन। ये इसके आप वहां पर देखोगे जहां मैंने डिस्कस किया है वहां पे एक इक्वेशन ऐसा भी आर एम एस अपॉन डी सी है माइनस वन। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर। यस सर। आइडियल वन प्रैक्टिकल केस केस पहले लेते हैं। तो आउटपुट डीसी प्रैक्टिकली कितनी था? डीसी के केस में हमने निकाला है आउटपुट डीसी पावर 92.90। हेलो ओके। अगर ये आइडियल सिस्टम है तो 10.35 मिली एम्पियर आएगा, और अगर ये उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 10th नंबर प्रॉपर्टी एसी वन पॉइंट टू वन आ गया। ठीक है, आइडियल केस अगेन दोनों की आइडियल वैल्यू ले लो। अगर मैं आइडियल केस थोड़ा सा ले लूं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएंगे 16.25, और ये कितना था 10.35 माइनस वन। ठीक है, कितना आ गया 1.20 आ रहा है। सेम आ रहा है सर, 1.21 ही आ रहा है। 1.208 आ रहा है। ठीक है, लगभग लगभग वही है ना 1.2। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकली और आइडियली यहाँ पे दोनों सेम है रिपल फैक्टर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है 13 नंबर पे हमें लिखना है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, ये पीक इनवर्स वोल्टेज चेंज नहीं होता है आइडियल प्रैक्टिकल, ये तो हम मैक्सिमम वोल्टेज है तो जो इनवर्स में माइनस वी एम के इक्वल होता है। तो माइनस वी एम, वी एम कितना है माइनस 32.5 वोल्ट, ये सेकंड रिवाइंडिंग का है ना वोल्टेज। और फॉर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होता है? वीएलडीसी इनटू आईएलडीसी डिवाइडेड बाई वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वी एल डी सी है मीन्स आउट लोड के अक्रॉस मैक्सिमम लोड वोल्टेज वो है 10, कितना वोल्ट है वी एल डी सी
ये है आपका 10.35 वोल्ट है ना, 10.35 वोल्ट इनटू ILDC है 9.76 मिली एम्पीयर डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू VM बाय रूट 2 VM बाय रूट 2 हो जाएगी, IS RMS IM बाय 2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10.35 इंटू 9.76 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय VM का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 32.5 इंटू IM का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 30.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 तो ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है 0.286। रूट टू कहाँ से है? कुछ और आ रहा है? टू रूट सर यही आएगा क्या हर बार? हाँ ये तो लगभग दोनों केस में सर आपने पिछली बार जो अभी निकाला था उसमें 28 ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो कैसे आएगा? वी वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है मैक्सिमम वोल्टेज मिस नो लोड का इनटू आरएम आईएम इनटू आरएल के साथ में और डिवाइडेड बाय आईएम इनटू आरएल, ठीक है। तो ये 32.5 जो है ये विदाउट एनी लोड के कंसिडरेशन से आपको मैक्सिमम वोल्टेज इतना वोल्टेज आउटपुट में मिल जाता है और IM इनटू RL से निकालोगे तो माइनस हो जाएगा 30.66 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू 1 इनटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 30.66 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू 1 इनटू 10 टू द पावर 3 और ये आता है 0.060। आइडियल केस में ये तो जीरो ही होता है। आइडियल केस में ये दोनों सेम होंगे है ना, ये भी 32.5 हो जाएगा, ये भी 32.5 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इतना आएगा वोल्टेज रेगुलेशन। और क्या होता है इसका, मैंने एक वैसा इक्वेशन भी बताया था आपको। वोल्टेज रेगुलेशन का फाइनल इक्वेशन होता है आर एफ प्लस RS अपॉन RL। यहाँ से भी निकाल सकते हो 50 ओम प्लस 10 ओम डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम। तो यहाँ से भी आपको वही आंसर मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ 0.060। इससे भी फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर अगला प्रॉपर्टी है हमारे पास रिपल। सर ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल केस में वैलिड होगा? मतलब प्रैक्टिकल केस के लिए ही है ये फॉर्मूला। जब RF आइडियल केस में तो RF RS दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगी। ओके सर ओके। रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी तो सेम है होती है। रिपल फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ, तो इज इक्वल टू कितना हुई 50 हर्ट्ज का है सिग्नल तो 50 हर्ट्ज ही रहेगी। और अगर हम रिपल वोल्टेज की बात कर रहे रिपल वोल्टेज तो ये VM होता है 32.5 वोल्ट ले लीजिए। दो वैल्यू रहेंगी रिपल वोल्टेज की, 32.5 वोल्ट भी रहे। रिपल वोल्टेज 30.66 भी रहेगा। नो लोड और ये फुल लोड की कंडीशन की बात है तो इस इन दोनों के बीच में ये रिपल वोल्टेज आपको मिल सकता है। रिपल वोल्टेज के बाद मैंने दो और प्रॉपर्टीज बताई हैं। एक है पीक फैक्टर,
पीक फैक्टर, पीक फैक्टर इक्वल टू 30.66 आइडियल केस में होएगा ना। हाँ नहीं 30.66 तब आएगा जब आप लोड होगा आउटपुट वोल्टेज और विदाउट एनी लोड तो 32.5 आएगा नो लोड कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज। तो मैक्सिमम 32.5 तक जा सकता है अगर ये आईएम इनटू आरएल लोगे तो। इस केस में इस प्रैक्टिकल केस में 30.66 ऐसी दो वैल्यू इसमें ले सकते हैं रिपल वोल्टेज की। और पीक फैक्टर जो होता है वो तो उतना ही रहता है शायद, है ना, आईएम अपॉन आईआरएमएस, आईएम अपॉन आईआरएमएस है तो ये कितना आता है आएगा आईएम अपॉन मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, आप ही बता दीजिए कितना आता है। एक है फॉर्म फैक्टर जो होता है आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, वो आता है ये पहला पीक फैक्टर। हाँ पीक फैक्टर तो 2 आएगा। ये 2 आ गया और ये आता है ये वैल्यू सेम ही रहती है हर केस में। ओके तो इसके बाद हम लोग अभी स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी अटेंडेंस है और फुल वेव रेक्टिफायर। यस मैं अटेंडेंस टर्न ऑन कर रहा हूं। सर ये फॉर्म सब लोग अटेंड क्या, फॉर्म फैक्टर सर कितना आया सर आपका, कितना आया मतलब 1.57 5/2 1.6 आया। अच्छा सर